हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। और आज हम लोग घूमने आए हैं संत रविदास पार्क में। ये नगवा साइड में पड़ता है। पार्क में एंट्री करने से पहले अगर आप लोग को कुछ खाना है तो यहाँ पे सब सुविधाएं देखी है, कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है बट थोड़ा बहुत है जो आप लोग पार्क में आप दे सकते हैं। टिकट लेने जा रहे हैं हम लोग पार्क में एंट्री करने के लिए। पहले तो टिकट यहाँ पे सस्ता मिलता था, शायद अब महंगा हो चुका है। देख रहे हैं कितना इमोशनल होके टिकट दे रहे हैं। अभी थोड़ा सा स्माइल पास किए हैं। एक टिकट 20 रुपए। वन टिकट कितने का है? बहुत हैप्पी लग रहे हैं गाइस, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे टिकट मिल चुका है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ वन पर्सन कितना फीस है। देखिए भैया दादाजी करके हैं, टिकट दे रहे हैं हम लोग को। चलो ठीक है बच्चा। दादाजी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, गुस्से वाले नहीं है दादाजी। बच्चा मैं गुस्से वाला नहीं हूं। देखिए यहाँ संत गुरु रविदास पार्क है, इसका शिलान्यास सुश्री मायावती जी ने किया था। चलिए चलिए, बस हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। आई एम सो वेरी हैप्पी इन मीन वेलकम। क्या सुंदर व्यू है पार्क का, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। वाओ नाइस प्लेस। और आप लोग देखिए मेरी डूडू को कितना हैप्पी होके जा रहा है भाई। वन सेकेंड, क्या चाहिए? क्या चाहिए बिट्टू? ये चाहिए, देखिए इतना भूखा प्यासा है। अभी पार्क में एंट्री करने से पहले ही इनको भूख लग गई है। कितना हैप्पी है। लीजिए मामा, हो हो करने के लिए खोलिए। खोलो खोलो खोलो। अरे आप खोलिए ना। थमना बस। गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना हरा हरा पेड़ फूल सब, कितनी हरी हरी हरियाली। जैसे सावन में हरियाली आती है, यहाँ पे हरियाली खुद ही पहले से है। देख सकते हैं बाबू कितना खुश है, कितना खेल रहा है यहाँ पे। इसको आप लोग देख के पढ़ लीजिएगा, टाइम नहीं है मेरे पास बताने का, इसको एक्सप्लेन करने का। और बाकी मैं तो दिखा दे रही हूँ आप लोगों को कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। इस पार्क का नाम है रविदास पार्क। देखिए कितना हरा हरा ये पौधा है। इस प्लांट्स का नाम तो मुझे पता नहीं है, अब पता होता तो शायद मैं इसको बता देती, बट देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। आप लोग को जैसा लगे अब आप लोग बता सकते हैं। देख रहे हैं देख रहे हैं रात में लाइटिंग के लिए सब लगाया गया है। पीछे पीछे मेरा बेटा भी आ गया है। गैस आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा मेरा बेटा कैसा लगता है प्लीज गैस। अभी बस
हम अब थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ के ऊपर निकल रहे हैं गाइस। देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बच्चों के लिए। यहाँ पे पार्क झूले की व्यवस्था की गई, बच्चे लोग आते हैं तो यहाँ पे खेलते हैं, झूला झूलते हैं। और देख रहे हैं वीडियो शूटर अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, और मेरा डूडू भी धीरे धीरे आ ही रहा है पीछे से, काफ़ी खुश नज़र आ रहा है तो मुझे लग रहा है। अब मौसी के साथ थोड़ा थोड़ा दोस्ती करने के लिए सोच रहा है। पूरा करो अभी उसको दोस्ती करने में आपसे टाइम लगेगा थोड़ा। देखिए यहाँ पे बैठने के लिए भी बनाया गया है, ऐसे ऐसे पार्क में कम से कम 3-4-5 ऐसे बने हुए हैं इतनी बड़ी पार्क में। सब लोग, वैसे तो ये टूरिस्ट प्लेस था, और वैसे सब कपल्स आके यहाँ पे थोड़े गंदे कर देते हैं, आने में अच्छा नहीं लगता है, सब पेड़ के छांव में ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं। क्यों हल्ला कर बेटा इतना? आपके दोस्त आए देखिए, मिल लीजिए सर, डॉकी आए, आपके सब दोस्त आए डुडू के, ये भी ठंडा ही लेने आए यहाँ पर। भागो भाई डुडू। देख सकते हैं यहाँ पे बड़हर, काजू बड़हर आप लोग जानते होंगे, गांव साइड में ज़्यादा रहता है, शहर में तो वैसे नाम को भी, बट यहाँ इस पार्क में इस पेड़ है तो इसमें बड़हर भरा हुआ है, पक भी गया है, तो लोग तो इसको तोड़ के खा भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। वाह भाई वेरी गुड। आओ बेटा नहीं, जय करिए जय करिए जय करिए और जय करिए, जय किया है। चलोगे? करो।